सोचिए जिस दिन आपके बगल में या आसपास में शहर में फिजिक्स वाला बायजूस वन अकेडमी आके बैठ जाएगा अकेडमी खोल के, तो वो आपको भी पता है ठीक है कि बच्चे एक टाइम के बाद इन्फ्लुएंस होके ब्रांड के साथ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फोविज़न। आज मैं मड़िया हूँ यानी जौनपुर ज़िले में हूँ और देख रहे हैं पीपी क्लासेस। ये काफ़ी पुरानी क्लासेस हैं और ऑफलाइन में ये बहुत अच्छा काम किए, अब ये डिजिटल और ऑनलाइन में आ रहे हैं राइट। तो इनके यहाँ पूरा डिजिटल पैनल लगा है, अभी पूरा स्टूडियो भी लगने वाला है, तो 75 इंच का बेंचमार्क का लगा है। थोड़ा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये पूरा क्लासरूम यहाँ से दिखाइए आप कितना बड़ा है। ये देखिए अगर बच्चा यहाँ यहाँ बैठा है तो काफ़ी लंबा क्लासरूम है ठीक है, और यहाँ से भी बच्चा बहुत अच्छे से देख सकता और पढ़ सकता है। देखिए आप लोगों का ना हमेशा एक सवाल आता है कि जो 75 इंच का पैनल है वो कितना बड़ा है, मुझे 86 इंच का लेना चाहिए। तो ये 75 इंच का ये पैनल है जिसमें टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अब बच्चे यहाँ पे पूरा अच्छे से बैठें राइट और पढ़ाना शुरू करें। अब आप काम और क्या कर सकते हैं, अगर आपका ऑफलाइन कोचिंग है तो बीच में जहाँ फ़ैन लगा है वहाँ पे एक आप कैमरा माउंट कर दें, कैमरा अच्छी क्वालिटी का, चाहे बेंचमार्क का हो या किसी का भी अच्छी क्वालिटी का, जिसमें फेस पे क्वालिटी अच्छा हो, जितने भी टीचर हो उनका यहाँ आपके कोचिंग का ब्रांड हो, सुधर कर पीछे ऐसे पढ़ा रहे हैं तो पीछे ब्रांड आ जाए, आगे ब्रांड आ जाए और एक अच्छा ब्रांड बने राइट। और हर एक लेक्चर को आप रिकॉर्ड करें, क्योंकि डिजिटल पैनल लगाने का तभी मतलब है जब आप लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये लेक्चर अगर रिकॉर्ड हो गया तो आपका कंटेंट बन गया, आपका एसेट्स बन गया। अब आप उसको यूट्यूब पे डालें या आप अपना प्राइवेट एक एप्लीकेशन बना के आप सारा रखें डे वाइज। अब जो बच्चा मिस कर गया, बच्चा नहीं आया, बच्चा दूर का है जो आपसे ही पढ़ना चाहता है, उसको आप एप्लीकेशन दे दीजिए। जब एप्लीकेशन दे देंगे तो बच्चा वो क्लास जाके वहाँ पे पढ़ सकता है राइट। और ऐसे आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पढ़ाइए, फिजिकल बच्चे भी पढ़ेंगे और कैमरा अगर यहाँ पे लग गया, सर्वर लग गया, तो यानी एक टाइम पे ऑफलाइन बच्चे भी, उसी टाइम पे ऑनलाइन बच्चे भी। और लड़ाई ऑफलाइन ऑनलाइन की नहीं है, अब हर कोचिंग को डिजिटल जाना ही है, जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप देखिए फिजिक्स वाला, वेदांतु, अन अकेडमी, ये सब जिस हिसाब से एक्सटेंशन कर रहे हैं, यानी अब ऑनलाइन में स्टार बन गए, अभी आ रहे हैं ऑफलाइन में। देखिए बायजूस का भी अपना ऑफलाइन सेंटर खुलना शुरू हो गया, तो सोचिए जिस दिन आपके बगल में या आसपास में शहर में फिजिक्स वाला बायजूस वन अकेडमी आके बैठ जाएगा अकेडमी खोल के, तो वो आपको भी पता है ठीक है कि बच्चे एक टाइम के बाद इन्फ्लुएंस होके ब्रांड के साथ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज ही अपनी आइडेंटिटी बनाइए, ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए, इससे डरिए मत, करिए मत, और टीचर को ट्रेंड करिए। अब टीचर क्या है, जब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाएगा तो वो प्रिपरेशन करके भी आएंगे राइट। तो आप मैनेजमेंट के हेड हैं तो आपको इन सब डिसीजन को बड़ा फास्ट लेना है ठीक है, और जितना फास्ट लेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप मार्केट में अपने को पोजीशन कर पाएंगे राइट। और ये पूरा आपका अच्छे से हो गया है तो चलिए ठीक है, आप अच्छे से सेटअप करिए और चीज़ों को बेहतर ढंग से आप कोचिंग को डेवलप करिए। हम आपकी हमेशा जैसे मदद नॉलेज में, प्रोडक्ट में करते आ रहे हैं, वो करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।